तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी 50,000 के इनामी अपराधी शिवलोचन राय उर्फ लुस्की को गिरफ्तार कर पुलिस ने संगठित अपराध और बालू एवं शराब माफिया के रैकेट की कमर तोड़ दिया है। लुस्की पर तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना में हत्या, लूट, डकैती एवं रंगदारी के एक दर्जन मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि लुस्की कुख्यात बालू और शराब माफिया भी था। इसका सगा भाई भी अपराधी है एवं लुस्की एक बड़े गैंग का संचालन कर रहा था। 2022 के सितंबर में धनकौल पंचायत के सरपंच पुत्र की हत्या के बाद तेघड़ा डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने जब घेराबंदी शुरू की तो बिहार से भाग गया। बिहार से बाहर कभी महाराष्ट्र को कभी दिल्ली में रहता था। पकड़ में नहीं आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने 50,000 का इनाम घोषित किया तथा एसटीएफ को इसके पीछे लगाया गया था। फिलहाल वह दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। इनपुट मिलने के बाद उसके पीछे पड़ी बेगूसराय पुलिस एवं बिहार एसटीएफ की टीम की संयुक्त कार्रवाई में साउथ दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित मीठापुर चौक के समीप मकान से गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि 37 वर्षीय लुस्की संगठित अपराध का बड़ा गैंग चलाता था। कुख्यात अपराधी के उपहत्या, लूट, डकैती समेत गंभीर अपराध के 11 मामले दर्ज हैं। सितंबर 2022 में इसके गैंग द्वारा बनहारा गांव के राम सुबोध राय के घर में घुसकर डकैती के दौरान विरोध करने पर इनके पुत्र अवनीश राय को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इसकी गिरफ्तार से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तथा बालू एवं शराब का अवैध कारोबार कर रहे बड़े रैकेट की कमर टूट गई है। पूछताछ में बहुत जानकारी मिली है जिस पर काम चल रहा है। विगत वर्ष एनएच हुए सीरियल गोलीकांड में इसकी संलिप्तता नहीं पाई गई, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराधी था। लुस्की द्वारा आपराधिक गिरोह चलाते हुए सुपारी लेकर हत्या, लूट एवं डकैती जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसके बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रेस वार्ता में तेघड़ा डीएसपी भी उपस्थित थे। कार्रवाई में आज जिले का कुख्यात शिवलोचन राय उर्फ लुस्की, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की जो टीम है ये पिछले 1.5 साल से इस कुख्यात अपराधी पे काम कर रही थी। इस अपराधी को हम लोग ने जिले की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल किया था और हमने एक प्रपोजल बना के भेजा था और कुछ महीनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर 2022 में इसके गैंग के द्वारा बनहारा के राम सुबोध राय के घर में घुस के रात को डकैती के क्रम में इनके पुत्र अविनाश राय की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस अपराधी लुस्की के ऊपर एक दर्जन आपराधिक मुकदमे हमारे टेंगड़ा सब डिवीजन में दर्ज हैं, जो कि हत्या के, लूट के, डकैती के, रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के हैं। यह कुख्यात अपराधी उस एरिया में बालू काटने का भी काम करता था, शराब माफिया के रूप में भी यह काम करता था। इसका एक लंबा चौड़ा गैंग है, इसका सगा भाई भी अपराधी है और ये लोग वहां पे बनहारा गांव में और टेंगड़ा पूरे सब डिवीजन को इन लोगों ने डिस्टर्ब करके काफी टाइम से रखा हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी और जब पुलिस ने दबिश डालनी चालू की इस अपराधी पे पिछले साल, तो ये बिहार छोड़ के भाग गया। कभी ये महाराष्ट्र में छिपके रहता था, कभी दिल्ली में छिपके रहता था और इसके बाद हम लोगों ने एसटीएफ को इसके पीछे लगाया और जब 50,000 का इनाम इस पर घोषित हुआ तो उसके बाद से हमारी संयुक्त टीम लगातार काम कर रही थी और कल इसको सक्सेसफुली दिल्ली के एक इलाके से एक मकान में यह किराए पे लेके छुपके रह रहा था, वहां से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। तो इसकी गिरफ्तारी से हमारे करीब एक दर्जन आपराधिक मामले हैं, उनका खुलासा हो गया है। और दूसरी चीज है कि टेंगड़ा सब डिवीजन में जो खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो घटनाएं पूर्व में होती रही हैं और बालू और शराब का जो काम इसका सिंडिकेट करता रहा है, उस पर अब पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े सिंडिकेट और आपराधिक रैकेट की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए एसटीएफ का भी धन्यवाद करूंगा और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। हाईवे कांड में इसका संलिप्तता था क्या? उसमें तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है पूरी, उसमें संलिप्तता नहीं आई है। किस तरह से सर आ रहा था ये दिल्ली में? मैंने बताया कि पहले ये महाराष्ट्र में था और जब पुलिस ने दबिश डाली तो कुछ काम हुआ सर। हाँ, ये कुछ लेबर का वहाँ पे काम करता। इसके पास से सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? अभी नहीं बरामद हुआ है, लेकिन पूछताछ में हम लोग को बहुत जानकारियां मिली हैं इसके गैंग के बारे में, उस पर आगे काम होगा अभी। सर बिल्कुल।